हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को हमारे और हमारे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाला हर समय आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है और बृहस्पतिवार का दिन भी है, तो इसलिए हमने पीली साड़ी पहन रखी है। और जब मैंने ये वॉइस ओवर किया हुआ है तो नवरात्रि का तीसरा दिन है यानी सैटरडे है। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को हमारे और हमारे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग आ चुके हैं और गए थे स्कूल की जगह देखने। हाँ, तो हम लोग गए थे यहाँ सुल्तानपुर में, एक स्कूल है प्ले ग्रुप बच्चों का, गैलेक्सी चाइल्ड एजुकेशन प्ले ग्रुप। तो वहीं की प्रिंसिपल बुलाई थी मिलने के लिए, वहीं गए थे हम लोग। और मुझे नहीं ज्वाइन करना है, मेरी बहन को ज्वाइन करना है क्योंकि वो पहले उसी में पढ़ाती थी, तो उसी के लिए हम लोग गए थे। और अब घर पर आ गए हैं, काफ़ी टाइम लग गया है। चलिए अभी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। नहीं कहीं हैं, गर्मी बहुत तेज़ धूप हो रही है, अब चल रहे हैं कपड़े चेंज करेंगे, पानी वगैरह पियेंगे। अभी सिर्फ चाय पी के गए थे और आए हैं मेरे मामा जी। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक लिए बाय बाय।
बहुत तेज नींद लगी हुई आए तो वहाँ से नाश्ता वगैरह करके सो गए। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। आप लोग देख सकते हैं साबूदाना जो है यानी साबूदाना भीगा दिए थे इसको दोपहर में ही। और यहाँ आलू कट के रखी हुई है और ये है टमाटर, ये मिर्च है और ये देखिए मूंगफली भुनी जा रही है। अब सबकी बनेगी, इन सबको मिक्स करके बनेगी साबूदाने की खिचड़ी। बहुत लोग तो मूंगफली नहीं डालते हैं लेकिन हम लोग डालते हैं और बहुत टेस्टी खिचड़ी बनती है। दिखाएंगे आप लोगों को, देखिएगा और अपने घर पर बनाकर खाइएगा ज़रूर। और अगर आप लोगों को साबूदाने की रेसिपी देखनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी डाली हुई है। देखिए कढ़ाई में हमने देसी घी डाल दिया था, जब देसी घी गर्म हो गया तो फिर साबूदाना इसमें हम ऐड कर दिए और साबूदाने को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब घी गर्म हो चुका है, इसमें हरी मिर्च पड़ी हुई है छोटे छोटे टुकड़ों में कट के, और जीरा, और जीरा चटकने लगा है। अब इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखते जाइएगा कि किस तरह से हम बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी होती है। वैसे आप लोग खाए तो होंगे ही, बनाते भी होंगे, लेकिन आज हमारे तरीके से बनाकर देखिए और खाइए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बनी थी। और इसी तरह से 2-3 मिनट तक हम टमाटर को यूं ही चलाते रहेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। साबूदाने की तो बहुत सारी रेसिपी बनती है पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा साबूदाने की खिचड़ी पसंद है। अगर आप लोग देखना चाहते हो साबूदाने की खिचड़ी कैसे हम बनाते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर जाइए और देखिएगा, शायद पसंद आ जाए हमारा तरीका बनाने का। तो यहाँ पर देखिए हमने मूँगफली को रोस्ट कर लिया है और इसे अब हम ठंडा होने के बाद दरदरा कूट लेंगे और सारे छिलकों को उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर टमाटर हमारा पक चुका है, अब इसमें हमने जो आलू काट कर रखे थे उसको ऐड कर देंगे और 2-4 मिनट तक पकाएंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाए। और आलू देखिए हमारी पक चुकी है, इसमें हम ऐड करेंगे अब साबूदाना जो हमने पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ है। और साबूदाना को आलू को हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सब एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। साबूदाना और आलू तो हमारा मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मूंगफली के छिलकों को हमने किस तरीके से उतारा हुआ है। और इसमें हम मूंगफली भी ऐड कर देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे। काली मिर्च पाउडर से खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, काली मिर्च का पाउडर आप ज़रूर ऐड करिए। और अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं जो दरदरा कूटा हुआ होता है। हमने थोड़ा कम ही ऐड किया है क्योंकि हमने टमाटर में भी ऐड किया था। तो देखिए हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है। आप इस पर ऊपर से धनिया की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारी रेसिपी कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।